हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में एनवायरनमेंटल इश्यूज एंड हेल्थ इफेक्ट्स का पहला पार्ट देखा हुआ था और हमने देखा कि चंद इंपॉर्टेंट केमिकल्स या सब्सटेंसेस जिनके वजह से ह्यूमन हेल्थ को बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जो कि एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी इनकी तादाद, इनकी सब्सटेंस जो है वो बढ़ जाती है और ह्यूमन हेल्थ को जो है बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे और जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में कहा हुआ था कि चंद इस तरीके के जो केमिकल्स होते हैं उनके वजह से चंद क्यूरियस और चंद वियर्ड और यूनिक डिसीजेज जो है वो आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिनामाटा डिसीज, इसके बारे में कहा था। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं तरीके के चंद डेडली डिसीजेस के बारे में बात करेंगे जो खासकर एनवायरमेंटल चेंज और खासकर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फ्यू ऑफ द डिसीजेस दैट आर कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सबसे पहला और सबसे डेडली डिसीज जो है वो है मिनामाटा डिसीज। मिनामाटा कन्वेंशन के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ था पिछले चैप्टर्स में, तो यही दरअसल वो डिसीज थी। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मिनामाटा सिटी इन कुमामोटो प्रीफेक्चर जापान इन 1956। सिम्टम्स इंक्लूड अटैक्सिया, नमनेस इन द हैंड्स एंड फीट्स, जनरल मसल वीकनेस एंड इन एक्सट्रीम केसेस इंसेनिटी, पैरालिसिस, कोमा एंड डेथ फॉलो विद इन वीक्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स। आप एक पिक्चर देख सकते हैं, एक पर्सन है जिसे मिनामाटा की डिसीज आई हुई है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ है। तो इसी तरीके से पूरे बॉडी में नमनेस आता है, यानी कि आप अपने फिंगर्स और फीट को फील नहीं कर सकते, एक नमनेस आ जाती है। लिटरली आपके ब्रेन को भी जो है ये कहीं ना कहीं यूजलेस बना देता है, पैरालिसिस की तरह जो है आप कुछ भी ना सोच सकते हैं, ना आप में मूवमेंट होता है, तो लिटरली यू आर लिविंग डेड। तो जैसे कि हमने देखा मिनामाटा कन्वेंशन में जब हमने बात किया कि डेडली चंद इंपॉर्टेंट ऐसे हार्मफुल केमिकल्स को जो है सिटी के उस लेक में, रिवर में डंप करने से, वहाँ के सी फूड को खाने से जो है ये डिसीज बहुत ही पॉपुलर हुई थी। 1960s और 70s में जो है तहलका मचाया हुआ था इस डिसीज ने, क्योंकि बहुत ही रैपिडली ये फैल रहा था और जापान की पॉपुलेशन को, खासकर मिनामाटा सिटी के आसपास के रीजन में ये बहुत ही डेडली हुआ था। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द डेडली डिसीज अबाउट विच वी डिस्कस इन दिस। दूसरी जो डिसीज है वो है योकाइची अस्थमा। अस्थमा हम सभी को पता है, लेकिन योकाइची क्या है? देखिए, दरअसल एक सिटी का नाम है जो कि ये भी जापान में ही है। डिसीज अकर्ड इन द सिटी ऑफ योकाइची इन माई प्रीफेक्चर जापान बिटवीन 1960 एंड 1972। ये किस तरीके से आता है? द बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दैट कॉज सीवियर स्मोक, रिजल्टिंग इन सीवियर केसेस ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस, पल्मोनरी एम्फिसीमिया एंड ब्रोनिकल अस्थमा अमंग द लोकल इनहैबिटेंट्स। पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ, तो इसी तरीके से जब पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के मात्राएं जो लार्ज मात्राएं में उन्हें जलाई जाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटीज जो है रिलीज होती हैं। हमने ऑलरेडी चंद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में, बेस्ट एग्जांपल ओशन एसिडिफिकेशन के प्रोसेस में हमने देखा कि शिप कार्गोस में जो है क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए, और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में भी हमने बात किया कि सल्फर के कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए टैक्स लगाया जाता है, और खासकर 0.5% से ज़्यादा अगर फ्यूल में सल्फर का कंटेंट है तो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिकमेंड नहीं करता अपने शिप्स को कि उस तरीके का फ्यूल इस्तेमाल करें, क्योंकि सल्फर बहुत ही खतरनाक कंपाउंड है जो हमें एनवायरमेंट में देखने को मिलता है। तो उस तरीके का सल्फर जब हम इनहेल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पल्मोनरी डिजीजेस, लंग्स वगैरह के डैमेज होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। तो ये योकाइची अस्थमा भी जो है वो इसी तरीके का कुछ था। बहुत ही लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन इन्होंने किया हुआ था वहां पर, तो इसके बारे में भी चंद इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए थे, और रिक्वायर्ड जो कोई भी स्टेप्स लेने थे इंडस्ट्रीज को बंद वगैरह करवाना, ये जापान में किए गए थे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिसीज जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है इटाई इटाई डिसीज। इट वॉज डॉक्यूमेंटेड द केस ऑफ मास कैडमियम पॉइजनिंग। हमने चंद इंपॉर्टेंट इस तरीके के कंपाउंड्स केमिकल्स के बारे में देखा पिछले चैप्टर्स में, हमने देखा लेड पॉइजनिंग की वजह से या फिर मर्क्यूरी के प्रेजेंट होने की वजह से, तो ये कैडमियम की पॉइजनिंग है इन टोयामो प्रीफेक्चर जापान स्टार्टिंग अराउंड 1912। द कैडमियम पॉइजनिंग कास्ड सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स एंड किडनी फेलियर। जिसे भी इटाई इटाई डिसीज होती है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, किडनी फेलियर होती है और आपके पूरे बोन्स इतने फ्रजाइल हो जाते हैं कि लिटरली यू बेंड, क्योंकि आप खुद का वजन जो है वो आपका बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता।
देखिए, आप सभी चौंक रहे होंगे कि इतने सारे डिसीजेस जापान से इनका क्या लेना देना है। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जापान में इतने डेडली डिसीजेस थे, लेकिन जापान में जब ये डिसीजेस आ रहे थे तो सभी चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही थी, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान में हो रहा था। यानी कि इसका बताना ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम्स एट अ वेरी हैवी कॉस्ट। और पूरे जो एनवायरमेंट और इकोलॉजी के सेशंस आप पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न आपका यही है कि डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से लाया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाया जाए लेकिन को किसी भी तरीके का बुरा हार्म ना पहुंचाए, और इस तरीके से इंसानों को, जानवरों को, प्लांट्स को किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचे। यह सबसे बड़ा रीजन है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो चौथा जो इंपॉर्टेंट डिसीज है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इट इज बिलीव टू बी कॉज बाय हाई नाइट्रेट कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी टू हीमोग्लोबिन इन बेबीज, लीडिंग टू डेथ। आप पिक्चर देख सकते हैं कि बच्चा पूरी तरीके से ब्लूइश हो गया है, नीले कलर का हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं नाइट्रेट के हाई कंटेमिनेशन में, ग्राउंड वाटर में हाई कंटेमिनेशन के वजह से, जब मदर्स इस तरीके के वाटर को कंज्यूम करते हैं तो लिटरली बच्चों को जो है दूध के द्वारा ये इफेक्ट देखने को मिलता है। कई बार उनकी मौत भी हो जाती है, क्योंकि छोटे से प्राणी हैं, छोटा एक लाइफ है, लिविंग बींग भी हम कह सकें, तो कितना वो बर्दाश्त करेगा। तो नाइट्रेट कंटेमिनेशन बहुत ही ज़्यादा है, ये सभी ले जाकर हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स वेस्टेज को वगैरह डंप करते हैं ओपन फील्ड में या फिर किसी रिवर आउटलेट वगैरह में। तो जब आम लोग, जो पुअर लोग या फिर जो कॉमन फोक्स होते हैं, जब इन्हें कंज्यूम करते हैं तो उनकी तो पूरी तरीके से खराबी आ जाती है। द ग्राउंड वाटर इज थॉट टू बी कंटेमिनेटेड बाई लीचिंग ऑफ नाइट्रेट जनरेटेड फ्रॉम फर्टिलाइजर्स यूज इन एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड वेस्ट डम्स। देखिए, फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से भी बहुत बुरी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि DDT जैसे इंपॉर्टेंट कॉम्पाउंड्स उसमें होते हैं, जो बहुत लंबे अरसे तक एनवायरमेंट में ही होते हैं और वो नॉन बायोग्रेडेबल, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, यानी कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और लंबे अरसे तक वो एनवायरमेंट में होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिए भी वो बहुत बड़े मूवर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हुआ है बेबी, ब्लू बेबी सिंड्रोम की वजह से। अगला जो डेडली डिसीज है वो है न्यूमोकोनियोसिस। द कोल माइनर्स आर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड बाय ब्लैक लंग डिसीज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूमोकोनियोसिस। तो इसे ब्लैक लंग की डिसीज भी कहा जाता है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ कोल डस्ट इन द लंग्स ऑफ कोल माइनर्स, लीड्स टू अ सीरियस लंग डिसीज कॉल्ड एज ब्लैक लंग डिसीज। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लंग्स का कलर ही पूरा चेंज हो चुका है, कितना जो है ब्लैकिशनेस जो है इसमें आ गया है। एंड दिस इज बिकॉज जो खासकर माइनर्स होते थे जो कोल माइन्स में काम करते हैं, बार बार वो कोल के उस पार्टिकल्स को इनहेल करने की वजह से, अब देखिएगा लंग्स का कितना बड़ा जो है मार उन्हें पड़ा हुआ था, लिटरली उनके पूरे पल्मोनरी सिस्टम पर ही इफेक्ट हुआ था। तो इसे ब्लैक लंग डिसीज भी कहा जाता है। एस्बेस्टोसिस अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज, वर्कर्स वर्किंग इन द एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज आर कॉट बाय द सीरियस लंग डिसीज कॉल्ड एज एस्बेस्टोसिस। तो उसमें भी कुछ इसी ही तरीके का हालत आपके पल्मोनरी ऑर्गन्स की होती है, हम रैपिडली एस्बेस्टोस का इंटेक करने की वजह से भी वहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को बहुत ही बुरी मार पड़नी पड़ती है। अगला जो डेडली डिसीज है वो है सिलिकोसिस। इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिपॉजिट्स ऑफ सिलिका इन द लंग्स ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन सिलिका इंडस्ट्री और एट सैंड ब्लास्टिंग साइट्स। खासकर सैंड ब्लास्टिंग साइट्स में भी, हम सभी जानते हैं सैंड में सिलिका होता है, तो उस सिलिका का इंटेक करना भी बहुत ही हार्मफुल होता है। अगला जो है वो है एम्फेसेमा। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेंसिटिव टिश्यूज ऑफ लंग्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन एंड स्मोक ऑफ सिगरेट इज कॉल्ड एज एम्फेसेमा। वंस दिस डिसीज हैपेंस द लंग्स कैन नॉट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। तो इसीलिए कहते हैं कि स्मोकिंग अच्छा नहीं है, एयर पोल्यूशन भी जो है लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है, ये भी एक डेडली डिसीज हो सकता है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम SBSB से कहा जाता है। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलमेंट्स एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल्स प्लेस ऑफ वर्क और रेसिडेंस। मोस्ट ऑफ द सिक बिल्डिंग सिंड्रोम्स इज रिलेटेड टू पोअर इंडोर एयर क्वालिटी। अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट आपके घर के करीब है या फिर किसी तरीके का डंपिंग यार्ड वगैरह है और फाउल स्मेल वहाँ से आती है या फिर पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह के पास आपका घर है, तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम आपको आ सकता है, क्योंकि जो है आप वो इनहेल करते रहेंगे डस्ट पार्टिकल्स या फिर वो फाउल स्मेल्स या फिर वो गंदी जो कोई भी केमिकल्स वगैरह हैं, तो आपके पल्मोनरी ऑर्गन्स पर जो है बहुत ही बुरा दबाव पड़ेगा इसके वजह से। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी एनवायरमेंटल इश्यूज और हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।